बाद एक क्वेश्चन है, मैम ने पूछा था कि हम एटॉमी को क्या बताएं लोगों को एज ए अपना कंज्यूमर या एटॉमी फैमिली में शामिल करने के लिए। सिंपल सा यहाँ पर मैं, एक विंकी कोड है इसलिए जा समय ज्यादा हो रहा है, उसी की थ्योरी है एक्चुअली 30 60 90, 3 6 9 है ना। 3 6 9 को जो जोड़ दो तो 18 होते हैं, 8 और 1 9 को जोड़ दो तो 9 होते हैं, इनको कैसे गुणा प्लस भाग दो तो वो 9 कंप्लीट नंबर निकल के आता है, इसको बोलते हैं विंकी कोड, ट्राइंग एंगल विंकी कोड। एक द विंकी थे, उन्होंने एक कोड बनाया था, कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ लाइफ, कोड ऑफ यूनिवर्स। वही सेम है, 30 दिन पहले आप प्रोडक्ट दीजिए, फॉलोअप लीजिए। तो प्रोडक्ट कैसे दोगे आप, समस्या यहां पर। आप यदि जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया, सपोज दैट ये पेन है, इसको मुझे अगर सेल करना है तो मुझे इससे पहले लिखना पड़ेगा कि ये हाथ में यूज टू भी है कि नहीं, ये फ्लोली लिखता है कि नहीं, ये इसकी स्याही तो नहीं फैलती, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये इसका मटेरियल सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक का टेक्सचर कैसा है, मुझे इसके बेनिफिट्स जानने पड़ेंगे। सिमिलर आप जिस किसी को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर में, जो आपके दायरे में है, रेडियस में, उनको पहले आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। सो विदाउट बीइंग एन कंज्यूमर, आप अपने आप को कंज्यूमर में, जब तक वाइस कंज्यूमर में नहीं बदली करते हो तब तक आप किसी को जोड़ नहीं सकते, वो उसी गलत प्रोसेस के कारण हमारा कन्वर्जन स्लो होता है। तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उससे जो फायदे आपको मिले उस फायदे के बारे में उनको बताएं, क्योंकि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो फायदे बताएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बता रहा होगा साथ साथ में कि हाँ, अगर मेरे बालों का प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करूंगा तो मेरे बालों का, है ना, मैंने 1 साल तक, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैंने 1 साल तक एटॉमी का बालों का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया और 1 साल के अंदर मैं 22,000 रुपए का हेयर टॉनिक और शैम्पू यूज किया मैंने, 22,000 रुपए का। मेरा ये बीच के हिस्से में बिल्कुल बाल नहीं थे, अगर ऐसे में उठाता हूं तो साइड से पूरा खाली था, तो मेरे को 7-8 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं थे, 6 बार मैंने इसको बाल को निकलवा दिया था, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, बाल धोने के लिए अलग से पानी तैयार करता था मैं, अल्कालिन वाटर अर्थन पॉट के अंदर आरओ से निकाल के मिट्टी के घड़े में रखता था, उसी से सिर्फ बाल धोता था, स्कैल्प को उसी से धोता था। ये कॉर्पोरेट वाला, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वाला क्लोरीन वाला वाटर यूज नहीं करता था, या बोरिंग वाला नहीं। अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया, ओमेगा लेना शुरू किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने देख रहे हो, स्किन का भी आप देख सकते हो टेक्सचर। तो उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को बताना शुरू किया, नहीं तो 1 साल तक, जब तक मैं सेल्स मास्टर नहीं बना था, 15 अगस्त 2021 को मैं सेल्स मास्टर बना था, और नवंबर 11 से, जब से 2020 से कंपनी चल रही थी, सिर्फ ब्रश पेस्ट फैब्रिक डिटर्जेंट बॉडी क्लिंजर इसी चीज को प्रमोट करता था, मैंने कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, तो मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं था। तो जब आप यूज कर लेते हो तो आपकी बात पेनिट्रेट करती है आपके इंप्रेशन से, राइट। सो यूज एंड शेयर, यूज योर प्रोडक्ट, फील इट, देन शेयर द बेनिफिट, फायदों को बताइए, फिर आपको ये टेक्निकल नॉलेज में, टेक्निकल नॉलेज आपको जानना जरूरी है, लेकिन कन्वर्जन आएगा आपके बेनिफिट से। तो थैंक यू। तो ये है आपका, तो इसका एक प्रोसेस है आपकी टीम को सही कंज्यूमर में डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसका फॉलोअप लेना, बातचीत करना आपको उनसे, और 30 दिन के बाद उनको, फिर उसके बाद आप
प्लान बताइए, पहले प्लान मत बताइए। 30 दिन अगर आपने ठीक से उसको कंज्यूमर बना दिया, बाय डिफॉल्ट जो लॉयल्टी पैदा होगी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, वो अपने आप सवाल पूछेगा अब इसमें बताइए होता क्या है। फिर आप उसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बताइए। और तीसरा, जब आप उसको प्लान बता रहे हैं तो उसको किस तरीके से उसका एक्युमुलेशन हो, दो लेवल सेल्स रैप टू एजेंट, दो लेवल उसको अगर आपने पार करा दिए कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी से कि 3-3 लाख की मैचिंग बनाने सीख गया हो, बाय डिफॉल्ट हो स्पेशल एजेंट बनेगा, बाय डिफॉल्ट हो सेल्स मास्टर बनेगा, बाय डिफॉल्ट हो वो ऑटो सेल्स मास्टर बने। तो ये चीज इस तरह से आप करिए। तो तैरना सीख के सीधा नदी में मत कूदिए, थोड़ा समय दीजिए अपनी टीम के साथ, बेसिक्स पे फंडामेंट्स पे काम करिए, सर्फिंग करिए, किनार नदी के किनारे घूमिए, नदी के करंट को पहचानिए, पहाड़ी नदी कैसी होती है, समतल नदी कैसी होती है, कैसे आता है। आपने तैरना सीखा सहारनपुर में और नैनीताल में या उत्तराखंड में जाके नदी में कूद जाओगे तो खतरनाक हो जाएगा मामला।